हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे आप लोग बड़े बड़े बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो उस परेशानी का समाधान मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। तो आप आइए और देखिए, और इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आइए, मैं आपको जड़ी बूटी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, और देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको देखिएगा। जैसे आपके शरीर में चमड़े का रोग होता है, सफ़ेद दाग होता है, और उसमें जो है दाना पड़ जाते हैं। जब इस चमड़े में दाना पड़ जाते हैं तो वो दाना जो है दर्द करता है। तो उस दाने को मिटाने के लिए, जैसे आपके शरीर में अधन्नी हुआ, अधन्नी को आप जानते हैं, अधन्नी ऐसी भयानक बीमारी है कि जिसको लेकर के लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आइए, ऐसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको ऐसी औषधि को बताने जा रहा हूँ जिसको आप सेवन करेंगे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे ये देख रहे हैं, ये कटगुलर, ये बहुत चमत्कारी औषधि है। ये कटगुलर है, इसको कटगुलर कहते हैं हिंदी में, और हमारे भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में इसको कटगुलर के नाम से ही जानते हैं। तो ये जो इसका ये फल है, ये बीज है, देखिए गुच्छा गुच्छा है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये गुच्छा गुच्छा है ना। तो इसके जो है फल को आप तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद घर ले जा करके इसको आप सिल पर या मिक्सर में इसको डाल करके आप इसको लिक्विड बना लीजिए। लिक्विड बनाने के बाद इसमें आप दही, जो दही आप लोग खाते हैं, वो दही इसमें जो है मक्खन जो होता है मक्खन ना, इसको मिला करके आप लिक्विड बना लीजिए। और लिक्विड बनाने के बाद जहाँ आपके शरीर में दाना पड़ा हो या जो है जहाँ दर्द होता हो, वहाँ पर आप इसका लेपन कीजिए। लेपन करने के बाद 5 मिनट के बाद आपका दर्द खत्म हो जाएगा, और वो दाना धीरे धीरे 2-3 खुराक इसको लगाना पड़ेगा, और जो है वो दाना लगाने से दाना धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो ये ऐसी चमत्कारी औषधि है, मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगा हो मेरा यह वीडियो तो आप एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा इसका सेवन कहाँ कहाँ होता है, जैसे आप इसको आपके शरीर में जो है अधन्नी हुआ है, अधन्नी में ये काम करता है। आपके अगर यह जैसे पीलिया रोग हुआ है, तो पीलिया रोग में इसको जो है पीसने से, पीस करके इसको से ऐसे इसको पीस करके इसको कपड़ा में से इसको नाश लेने से पीलिया रोग भी ठीक होता है। और जैसे पेट में आपके जलन है, तो पेट में जलन है तो इसका जो दूध होता है, इसका देखिए दूध निकलता है ना, देखिए यही है जो दूध होता है, इसका दूध जो है आप एक बताशा ले लीजिए। बताशा में थोड़ा सा, केवल एक सरसों भर इसका दूध लगा करके आप इसको खा करके पानी पी लीजिएगा, और पीने के बाद 5 मिनट बाद आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे जो आयुर्वेद में ऐसे ऐसे दवाएं हैं आपके लिए, मैं अगर आप लाइक करते रहेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियाँ आपको पेश करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, और आपका कल्याण होता रहेगा।